सो हे फैमिली, कैसे हो आप सब? होप्स तो सब अच्छे होंगे। तो आज फाइनली मैं वो वीडियो लेके आ रहा हूँ जो कि बहुत डिमांडिंग थी, जिस वीडियो के ऊपर आप डिमांड कर रहे थे कि आर्म रेसलिंग की वीडियो कब लाओगे। तो इस वीडियो में मैं पूरा हुक एक्सप्लेन करूँगा, हुक क्या होता है एंड हुक की क्या बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं। बिगिनर्स के लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज बताऊँगा 10-15। तो एंड तक देखना, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होगी वीडियो, इंटरेस्टिंग होगी, आपको मज़ा आएगा। हुक की बेस्ट एक्सरसाइज बताऊँगा जो कि आप नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल जहाँ भी जाओगे, मेरे को तो बहुत हेल्प करती हैं। एंड ज़्यादा कुछ इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं उसके लिए, आप मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या यूज़ करता हूँ मैं हुक को बेस्ट करने के लिए। तो एंड तक देखना, होप यू विल लाइक इट एंड एंजॉय इट, एंड थोड़ा प्यार भी दिखा देना चैनल को और इस वीडियो को। तो मैं इसके 2-3 पार्ट्स और लेके आऊँगा जिसमें टॉप रोल अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, किंग्स मूव अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, आर्म रेसलिंग का मतलब पूरा एकदम नॉलेजेबल वाला कॉन्टेंट डालूंगा आपसे। तो अभी थोड़ा वार्म अप्स दिखाता हूँ कि मैं आर्म रेसलिंग से पहले क्या वार्म अप्स करता हूँ, क्या स्ट्रेचिंग करता हूँ एंड कैसे कैसे मतलब पहले एक्सरसाइज क्या रहेगी। तो एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लव यू ऑल। सो जो कि बेस्ट इक्विपमेंट्स है तो उनको मैं कहूँगा फैट ग्रिप है। तो 2 फैट ग्रिप आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, अमेजोन पर फैट ग्रिप्स मिल जाएंगे। फैट ग्रिप्स अगर नहीं होती है, जैसे कि बहुत सारे लोग नी बाई कर सकते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट क्या है, 2 हैंड टावल ले लो घर पे, तो ऑब्वियसली मिल जाएंगे। हैंड टावल नहीं मिलेंगे तो कोई भी कपड़ा मिलेगा जो कि टावल की तरह मोटा सा है। तो अभी इनके एक्सरसाइज बताऊंगा तो कहाँ पे टावल काम आएंगे फैट ग्रिप्स की जगह, तो वही बताऊंगा। एंड ये है प्रोनेटेड बेल्ट, प्रोनेशन बेल्ट, कराटे बेल्ट भी ले सकते हो आप, कराटे बेल्ट ऑनलाइन मिल जाएगी अमेजोन पे अगर ये नहीं मिलती है तो। ये प्रोनेशन बेल्ट है, ये टॉप रोल के लिए होती है मोस्टली, पर मैं इसे हुक के लिए भी यूज़ करता हूँ ऐसे में। तो अभी बताऊंगा एक्सरसाइज की क्या क्या है। तो अभी के लिए ये फैट ग्रिप हैंड टाल एंड इसी से हम जो भी वर्कआउट करेंगे आगे और डंबल्स होंगे तो दिखाता हूँ क्या कर रहे हैं। लेट्स गो। तो स्ट्रेचिंग और वार्म अप्स, मोस्टली आर्म रेसलिंग का स्ट्रेचिंग वार्म अप हम करेंगे डंबल से। तो डंबल्स को आप जैसे रिस्ट का वार्म अप करना है, रिस्ट का, तो ये ले लिया, इसको 5-10 रेप लेने, इसके ऐसे 5-10 रेप ये पूरा रोटेशन करना है दोनों, रोटेशन सुपिनेशन। फिर ये हो गया, उसके बाद ये रिस्ट कर्ल्स करने हैं, फिर ऐसे वाले रिस्ट कर्ल्स, इसके 2 सेट लेना है वार्म किसी भी आर्म रेसलिंग एक्सरसाइज से पहले, बहुत ही इफेक्टिव है। एंड अपने शोल्डर्स को भी पंप कर लेना है एंड आर्म्स को भी, तो आप लेटरल रेजेस कर सकते हो क्योंकि आर्म रेसलिंग में शोल्डर्स का भी बहुत यूज होता है। एंड ये वाली सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, कभी भी शोल्डर वर्कआउट कर रहे हो, चेस्ट वर्कआउट कर रहे हो एंड आर्म रेसलिंग के लिए तो सबसे बेस्ट है कि ताकि कोई शोल्डर पे इंजरी ना आए, आर्म्स पे इंजरी ना आए, ये वाली बहुत ही बेस्ट है ये वार्म अप के लिए। एंड लास्ट ये राइजर के लिए होता है, राइजर के लिए वार्म अप है। फिर नीचे रख के भी आप अपने हाथ को स्ट्रेट करके ये कर सकते हो 10 रेप, ये 10 रेप रिस्ट कर्ल्स, फिर उल्टे साइड के लिए ये 10 रेप ये। तो इसके 2 सेट करना है, सेम चीजें करनी है, बहुत ही इफेक्टिव है। एंड थोड़ा ट्राइसेप्स भी मार सकते हो अगर आप ट्राइसेप्स मारना चाहते हो डंबल्स पकड़ के ये, एंड बाइसेप्स कर्ल भी ले सकते हो आप, फिर हैमर भी, मतलब एक तरह से पूरा आर्म्स को वार्म अप कर देना, स्ट्रेचिंग कर देनी है ताकि कोई इंजरी ना हो। आर्म रेसलिंग बहुत ही डेंजरस स्पोर्ट है तो उसकी एक्सरसाइज भी अच्छे वार्म अप के साथ करनी है, आर्म रेसलिंग जब भी करो तो वो भी वार्म अप के साथ करनी है। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए पहली एक्सरसाइज बताता हूँ। सो फर्स्ट एक्सरसाइज, मेरी फेवरेट एंड बेस्ट एक्सरसाइज आर्म रेसलिंग को स्टार्ट करने के लिए, आप अगर हुक ट्रेन कर रहे हो, हुक ये पूरी वीडियो हुक के ऊपर है, ठीक है, इसमें टॉप रोल कोई एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, टॉप रोल के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता वीडियो थोड़ा ज़्यादा नॉलेजेबल हो एंड थोड़ी कम मतलब मिनट की हो ताकि आप सबको ढंग से समझ भी आ जाए। तो पहले हुक की ट्रेनिंग बताता हूँ पूरी कि हुक कैसे ट्रेन करना है। एंड इस वीडियो में पूरा कवर तो नहीं कर पाऊंगा हुक की बेस्ट एक्सरसाइज, पर जो जो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ हुक की एक्सरसाइज, क्योंकि हुक की एक्सरसाइज बहुत सारी हैं, 1-2 घंटे की बन सकती है हुक की इतनी सारी एक्सरसाइज होती है वीडियो, तो मैं सारी एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेस्ट शॉर्ट में। एंड पहली एक्सरसाइज है ईजड बार ले लेनी है आपने, ईजड वाली जो थोड़ा ऐसे रहती है। एंड इसको कैसे पकड़ना है, ये रिस्ट को ऐसे रखना है, हुक वाली पोजिशन, हुक ऐसे होता है ना जब लड़ाते हैं, ये रिस्ट कल होता है मतलब हुक, तो इसमें भी ये चीज़ करनी है ये। तो इसमें फैट ग्रिप्स यूज़ कर सकते हो आप, क्योंकि फैट ग्रिप्स ऐसा रहता है कि फैट ग्रिप्स से आपकी ना ग्रिप स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, फोर आर्म्स में बहुत इफेक्टिव लोड आता है, मतलब
मतलब बहुत अच्छा ग्रिप बन जाती है। एंड जब भी आप कोई फैट ग्रिप या फिर हैंड टाल यूज़ कर रहे हो, जैसे हैंड टाल को ऐसे इसमें इसको फोल्ड कर दिया एंड इसमें लपेट दिया ऐसे, ये भी फैट ग्रिप का काम कर रही है। एंड इसको स्क्वीज कर दिया सेम यहाँ पे भी, इसको स्क्वीज कर दिया, स्क्वीज जितना हो सके स्क्वीज करो, ऐसा समझो किसी का हाथ पकड़े हो। और ये लिया एंड स्ट्रेट कर्ल्स करने, पहले एक्सरसाइज है स्ट्रेट कर्ल्स। मैं हमेशा अपना आर्म रेसलिंग का वर्कआउट स्ट्रेट कर्ल्स से शुरू करता हूँ, स्ट्रेट कर्ल्स हमेशा बेस्ट एक्सरसाइज रही है। तो स्ट्रेट कर्ल्स कैसे करने, दीवार पे अपर बैक चिपका देनी है, हिप चिपका देने, आर्म स्ट्रेट होने चाहिए एंड रिस्ट को ये कर्ल रखनी है, रिस्ट कर्ल होती है जैसे मोड़ के रखनी है, आर्म स्ट्रेट एंड कर्ल 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 कर्ल। एंड याद रखना हैंड टॉवल को स्क्वीज करना है, स्क्वीज दबाना है इन उंगलियों से, तब ये काम आएंगी आपकी टेबल पे, आपका हाथ लगेगा उसे बहुत मतलब गठीला स्ट्रॉन्ग, ग्रिप स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है इससे। एंड फोर आर्म्स भी बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं फैट ग्रिप से, और फैट ग्रिप्स यूज़ कर सकते हो, अगर फैट ग्रिप्स नहीं है तो हैंड टॉवल यूज़ कर सकते हो। फैट ग्रिप्स कैसे लगानी है, यहाँ पे जहाँ पे आप पकड़ते हो वहाँ पे फैट ग्रिप्स लगा लो, ऐसे ये फैट ग्रिप लगा ली, फैट ग्रिप लगा ली एंड सेम वही रिस्ट, ये इस एक्सरसाइज में ध्यान के रखना है, अपनी फिंगर्स को टाइट रखना है, स्क्वीज करना है हाथ, जैसे किसी का हाथ पकड़ा है स्क्वीज करना है एंड रिस्ट को ये रखना है, देन कर्ल कर्ल कर्ल, पहली एक्सरसाइज ये है सबसे बेस्ट। फिर इसके बाद अब दूसरी एक्सरसाइज बताता हूँ, सेम इसी चीज में करनी है, ये आर्म रेसलिंग के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। स्ट्रिक्ट कर्ल भी कर सकते हो आप, वन हैंड स्ट्रिक्ट कर्ल होता है, वन हैंड स्ट्रिक्ट कर्ल बीच में पकड़ना है, फैट ग्रिप्स यूज करनी है या फिर हैंड टॉवल यूज कर लो एंड वन हैंड स्ट्रिक्ट कर्ल मारना है, यही सेम रिस्ट ऐसे रख के, हुक वाली पोजिशन, हुक होता है ये याद रखना, हुक होता है ये, ठीक है, किसी का हाथ ले लेना अपने पास, हुक हुक कर्ल करना मतलब किसी के हाथ को, ये स्ट्रेट रिस्ट होती है कर्ल करना। तो सेकेंड एक्सरसाइज ऐसी होगी, इसको आपने सेंटर पे लगाना है एंड स्ट्रिक्ट कर्ल रखना है, मतलब स्ट्रिक्ट चिपक जाना है बैक, जैसे स्ट्रिक्ट कर्ल में चिपक रहे थे, एक हाथ पीछे एंड कर्ल कर्ल कर्ल। या स्ट्रिक्ट कर्ल भी कर सकते हो, तो स्ट्रिक्ट कर्ल नहीं हो रहा आपसे, स्ट्रिक्ट कर्ल नहीं हो रहा अगर आपसे, तो आप इसे चीट कर्ल भी कर सकते हो, सेम बीच में पकड़ लिया, सेम बीच में पकड़ लिया एंड यहाँ से आप इसको 90 डिग्री पे रख के ध्यान रखना, रिस्ट ये होनी चाहिए तभी आपकी फोर आर्म स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हुक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, रिस्ट ये होनी चाहिए 90 डिग्री से। थोड़ा सा अगर आप पीछे बैक का सपोर्ट भी ले सकते हो तो बहुत सही है, बैक प्रेशर इंप्रूव करता है। बहुत सारे लोग आर्म रेसलिंग कम्युनिटी को पता होगा कि फॉर्म के ऊपर बहुत लोग कमेंट करते हैं कि क्या फॉर्म है, बैक से उठा रहा है वेट, तो उनको बोलने दिया करो, आर्म रेसलर की एक्सरसाइज ये होती है, चाहे आप किसी प्रोफेशनल आर्म रेसलर को उठा के देख लो, लेवान हो डेवन हो, सब ये एक्सरसाइज करते हैं क्योंकि बैक प्रेशर बहुत काम आती है चीज़। तो दूसरी एक्सरसाइज तो ये थी, सो वही चीज़ जो स्ट्रेट कर्ल में मैंने फैट ग्रिप से करी एक हाथ से, आप मैं बता देता हूँ टावल कैसे फोल्ड करना होता है, ये हैंड टावल ले लिया, इसको ऐसे फोल्ड मार दिया आधा, ताकि ये थोड़ा छोटा हो जाए, आधे आधे आपके हाथ के फिस्ट के साइज़ के हिसाब से, समझ लो फिस्ट के साइज़ के हिसाब से रखना, देखो मेरी फिस्ट पूरी फिट आ रही है इसमें, ये देखो ठीक है, फिस्ट के साइज के हिसाब से रख लिया ताकि आपके फिस्ट को पूरा कंट्रोल रहे, मस्त एकदम फिट आएगा आपके। इसको ऐसे लपेटा, ये इसको घुमाया 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 और ये बन गई फैट ग्रिप। एक तरह से फैट ग्रिप से बेस्ट लगती है मुझे टॉवल यूज़ करना, तो सच में बोलूँ तो। एंड इसको आपने स्क्वीज करना है, ये रिस्ट रखनी है मोड़ के एंड देन यहाँ से आपको लिफ्ट अप करना है एंड वही सेम चीज़, बैलेंस नहीं होता, थोड़ा लॉक नहीं लगा उस पर यही चीज़ करनी है आपको, इसको स्क्वीज करना, जितना उसके दबाओगे ना उतना आर्म रेसलिंग में आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ बढ़ेगी, फोर आर्म स्ट्रेंथ बढ़ेगी, फोर आपका साइज भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा इससे। सो मेरी तीसरी फेवरेट एंड बेस्ट एक्सरसाइज है सीटेड कर्ल्स। सीटेड इजेड बार से भी कर सकते हो आप, डंबल से भी कर सकते हो,
और प्लेन रॉड से भी कर सकते हो, पर ईजेड बार में क्या होता है आपको हुक ट्रेन करना है ना, तो ईजेड बार हुक के लिए बेस्ट बनी है ये चीज, ये रिस्ट को ऐसे रखना है, कर्ल करते हैं। तो ये टॉवल भी यूज कर सकते हो आप इसमें, सेम जो मैंने स्ट्रेट कर बताया, एंड फैट ग्रिप भी यूज कर सकते हो। एंड स्क्वीज करना प्लीज मत भूलना, स्क्वीज जितना आप इसको स्क्वीज करोगे, पूरी जान से स्क्वीज करोगे ना, उतना मजा आएगा, उतना कंसंट्रेशन आएगा बाइसेप्स पे, वो आराम से बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज आएगी। क्या करना है, ये रखना है, ये रिस्ट एकदम वही मोड़ करनी है, रिस्ट एकदम कर रखनी है, एंड देन यू हैव टू लिफ्ट दैट। सेम इसमें हैंड टाल यूज कर सकते हो और फैट ग्रिप्स लगा के यूज कर सकते हो। जब हैवी वेट हो जाता है तो हैवी वेट में आपको बैक मूव कर सकते हो, जैसे मैंने अभी बैक मूव नहीं करी, हैवी वेट में एक पैर आके, जैसे आप मशीन टेबल पे राइट फुट आके रखते हैं हमेशा राइट फुट, तो इसमें भी आपको राइट फुट आके रखना है, ये लेना है। एंड अगर हैवी होगा, जैसे मैंने मैक्सिमम 80 किलो मारा 80, तो अगर आप भी अपने वेट के हिसाब से देखोगे तो अगर मैक्सिमम मार रहे हो तो मैक्सिमम में आप एक पैर से ये एंड धक्का मार सकते हो, पीछे आगे झुक के पीछे धक्का, आगे झुक के पीछे धक्का, ये आपका बैक प्रेशर भी इंप्रूव करेगा। एंड आर्म रेसलिंग के लिए तो बेस्ट है, हुक के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रिट कर्ल्स होते हैं। मैं एक बात बताऊंगा सच में, स्ट्रिट कर्ल्स में अगर आप वेट अच्छा मारने लगे, सीटेड कर्ल्स में आप अच्छा वेट मारने लगे ईजेड बार से, तो भाई हुक में आपकी स्ट्रेंथ एक नंबर जा सकती है। सो दूसरा वही है जो मैंने सेम स्ट्रिट कर्ल में बताया था कि वन हैंड स्ट्रिट कर्ल, वन हैंड सीट कर्ल ईजेड बार में, तो इसमें भी वन हैंड सीटेड कर्ल्स, वन हैंड एक्सरसाइज, सो मतलब क्या ही बताऊं, बेस्ट है। इससे क्या होगा, ईजेड बार इतनी बड़ी होती है, इसमें दो हाथ के लिए होता है, अगर आप एक हाथ से सेंटर में करोगे तो इससे आपकी मोबिलिटी भी इंप्रूव होगी, हाथ की हैंड कंट्रोल इंप्रूव होगा, किसी का हाथ मतलब जैसे अब आपको हमेशा एक वैसा हाथ तो नहीं मिलेगा कि बनाया बनाया फॉर्म में नहीं मिलेगा ना हाथ, हाथ हमेशा क्या होता है, मतलब ग्रिप सेट नहीं होती कभी भी किसी के हाथ में, स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रॉन्ग अपोनेंट होता है, तो ये चीज हैंड कंट्रोल बहुत इंप्रूव करती है, क्योंकि इसमें भी रॉड ऐसे इधर इधर हिलती है ना जब, तो आप जो बैलेंस कर रहे हो तो बैलेंस बहुत ज्यादा काम आता है आपकी हैंड कंट्रोल अच्छा करने में। तो यही है, सेम बीच में पकड़ा, ठीक है, रिस्ट ये रखी हुक वाली, ये 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 ये, इसमें भी ताल यूज करना है और फैट ग्रिप यूज करनी है, एंड स्क्वीज करना बिल्कुल मत भूलना। क्या दिक्कत है, है? घर जाओ अपने, चलो घर जाओ, चलो डंबल लाऊंगा। सो अगर आपको भी बच्चे से तंग करे तो ऐसे ही भगाया करो। चल यार, सो चौथी एक्सरसाइज है मेरी वन ऑफ द फेवरेट, डंबल प्रीचर कर्ल्स, वो भी इंक्लाइन बेंच प्रेस पे, जो कि इंक्लाइन ये होती है बेंच, इस पे कर सकते हैं आप इंक्लाइन, इसको अपने हिसाब से प्रीचर कर्ल की टेबल होती है ना जैसे, तो हमारे जिसमें प्रीचर कर्ल की टेबल नहीं है तो इसकी जगह आप ये यूज़ कर सकते हैं, ये वैसे तो सबसे प्रीचर कर्ल से भी अच्छी चीज़ है ये, तो इसमें भी क्या करना है, डंबल्स को आप फैट ग्रिप यूज़ कर सकते हो, टावल लपेट सकते हो ऐसे, ठीक है, टावल लपेट लिया एंड इसको स्क्वीज किया, हुक की पोजिशन में आया, पैर वैसे ही रखना जैसे टेबल पर रखते हो, राइट फुट आगे लेफ्ट फुट पीछे, ये रिस्ट बैंड रखनी है जैसे आप हुक कर्ल्स में करते हो, तो और ये टेबल पे जैसे पकड़ते हो आप, तो ये यहाँ पे रख सकते हो, एंड पहले तो आप सिर्फ फोर आर्म मूव करोगे, सिर्फ फोर आर्म, एंड फोर आर्म से खींचो, सो ये तो हो गए प्रीचर कर्ल्स। एंड अब हुक चीट कर्ल्स बताता हूँ, हुक चीट कर्ल्स क्या होता है, यही लेना है हुक, अपने अकॉर्डिंग वेट ले लिया एंड पैर आगे रख दिया, एंड ये एंड बॉडी के साथ आगे जाना है, एंड सीधा स्पीड में पीछे, बॉडी के साथ आगे जाना है स्पीड में पीछे, बॉडी के साथ आगे जाना है स्पीड में पीछे, बॉडी के साथ आगे जाना है स्पीड में पीछे। इसमें अगर आपने 40-50 किलो मार दिया सेम मोटी ग्रिप में, ये रख के रेस्ट, वहाँ कसम इंडिया में ना अपने लेवल पे बहुत बेस्ट बन जाओगे। और मेरा इसमें मैक्स 60 kg था मैक्स, एंड देखी होगी आपने वीडियो वायरल हो रखी है जिसमें मैंने बांधे हैं साइड से। अगर आप अपने बॉडी वेट से 10-15 किलो भी कम करते हो, मतलब अगर बॉडी वेट जितना भी मान लेते हो ना, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगी आपके, मतलब नेशनल लेवल में आप सबसे बेस्ट बन सकते हो। अगर आपने अपने बॉडी, मेरा भी 80 है, मेरा 60 मैक्स है, 20 किलो कम, मेरा टारगेट 80 है अभी, तो देखते हैं अभी। मैं वैसे आर्म रेसलिंग में हूँ नहीं, आज संडे था तो इसलिए शूट करने आ गया आपको, बहुत डिमांड थी इस वीडियो के ऊपर कि हुक के ऊपर वीडियो लाओ। सो मैंने क्या बताया उस एक्सरसाइज में, आपको अपनी एल्बो इसके ऊपर रखनी है जैसे आर्म रेसलिंग पैड में रखते हो, तो ये आपके फोर आर्म्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। एंड दूसरा क्या है, आपको एक्सरसाइज क्या करनी है, ये है, इसको पूरा चढ़ा देना है जैसे प्रीचर कर्ल में चढ़ा दो, फिर 90 डिग्री तक लाना है,
फिर ये 90 डिग्री तक लाए, फिर ये 90 डिग्री तक लाए, फिर ये ये आपकी बाइसेप स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है एंड हुक के लिए तो सबसे बेस्ट है। एंड हुक में हमेशा रखना, जो भी आप एक्सरसाइज करो ये चीज़ ज़रूर मेंटेन रखना, ये बैंड रखनी रिस्ट एंड कर्ल करते रहना, खुल भी जाए तो कर्ल करने की कोशिश करना, कर्ल बहुत ही इफेक्टिव है हुक के लिए। तो पाँच चार पाँच एक्सरसाइज तो बता दी मैंने, छठ भी होगी। हाँ छठ भी, तो छठ भी एक्सरसाइज ये है, जैसे कि लोग घर पर भी बहुत एक्सरसाइज करते हैं रेस्लिंग डंबल्स के साथ, लोगों पे डंबल्स हैं पर अगर उन पे प्रीचर टेबल नहीं है तो वो कैसे करें, इसमें मैं वो भी बताता हूँ। तो करना क्या आपको, ये अपने पेट पे अटका देना है, पेट के आगे अटका दिया, ठीक है, हाथ को कहीं भी पकड़ लो, घर में दीवार में दीवार में पकड़ लिया एंड देन यू हैव टू कर्ल, रिस्ट बैंड रखनी 90 डिग्री ला के, ये राइट फुट आगे रखना हमेशा, जो जिस भी फुट को आप आगे रखते हो उसको आगे रखना, मैं राइट रखता हूँ तो आप मैं राइट रखता हूँ, अगर आप लेफ्ट रखते हो तो आप लेफ्ट रखना एंड ये 90 डिग्री ये, फिर आप होल्ड भी कर सकते हो, इसमें होल्डिंग एक्सरसाइज भी बहुत इफेक्टिव है किसी का हाथ रोकने के लिए। मैं 30 से 50 सेकंड होल्ड करता हूँ इस पोजीशन पे हुक रिस्ट बैंड रख के, तो आप टाइमर लगा के आप कर सकते हो ये चीज़। अब स्क्वीज करते रहना डंबल के ये जो फैट के तरह से या फिर टावल, तो भी ये भी बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है अगर आप घर में कर रहे हो डंबल्स के साथ, आप पे अगर प्रीचर का टेबल नहीं है तो आप अपने पेट पे अटका सकते हो ये चीज़ पेट पे, या फिर अगर सोफा भी है तो सोफे में अटका सकते हो सोफे के ऊपर। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये हैंडल होगा जिससे आप केबल फ्लाइज मारते हो, तो इसमें आपको फैट ग्रिप लगानी है, फैट ग्रिप नहीं होगी तो आप टावल लगा सकते हो, टावल नहीं होगा तो आप फिंगर्स की कर सकते हो। तो इसमें क्या है आपको हाथ उंगलियां ऐसे चढ़ा देनी है इसमें जैसे आप किसी का हाथ पकड़ रहे हो ये, एंड रिस्ट स्ट्रेट रखनी है और टेबल पर करनी है, वैसे बिना टेबल के बता दो बिना टेबल के क्या इफेक्टिव है इसमें ये है, एंड आपको रिस्ट कर्ल करना है, रिस्ट कर्ल करना है, रिस्ट कर्ल करना है, रिस्ट खोल के फिर कर्ल 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 सेम दूसरे हाथ से भी कर्ल 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 कर्ल। ये हैंड टावल से भी बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है कसम से, हैंड टावल से तो मुझे बहुत इफेक्टिव लगती है, एंड फैट ग्रिप से तो है ही, तो रिस्ट कर्ल करना है ऐसे ये एंड नेक्स्ट क्या है इसमें आप इसको जैसे हैवी वेट है, मैं 70-80 किलो पर होल्ड करता था इसे, तो रिस्ट को पूरा बैंड रखना है ये एंड 70 या फिर अपने हिसाब से मैक्सिमम वेट लगा दिया, इसको बैंड में खींचने से फिर इसे होल्ड करना है, अगर होल्ड नहीं हो रहा तो एक उंगली यहाँ पे लगा सकते हो, तो होल्ड करने से 30-40 सेकंड तक, ये भी आपकी हुक स्ट्रेंथ बहुत इंप्रूव करेगा, बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव करेगा यहाँ पे होल्ड रखना है, अगर टेबल नहीं है आपके पास बिना टेबल के भी कर सकते हो आप। सो अब बेस्ट एक्सरसाइज बताता हूँ जो कि सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जो कि हुक के लिए ही बनी है, हुकी है वो, एक तरह से हुकी एक्सरसाइज है। तो ये है जैसे आप हुक खेलते हो किसी का हुक, तो ये घुस गए एंड उसके बाद ड्रैग करते हो ना, ड्रैग ये ड्रैग करते हो ना हुक में, ये पकड़ के ड्रैग, तो ये ड्रैगिंग की एक्सरसाइज है, ड्रैग मतलब खींचना। तो ये पुली ले लिया, पुली में लगा दिया हैंडल और ये लिया, पहले रिस्ट स्ट्रेट रखनी है, अगर हल्का वेट है रिस्ट स्ट्रेट रखनी, जैसे रेफरी करा के देता ना रिस्ट स्ट्रेट, तो वैसे रिस्ट स्ट्रेट रखनी है एंड हल्के वेट पे वार्म अप, ये रिस्ट कर्ल, रिस्ट कर्ल और वही ड्रैग वाली वही पोजीशन वही सेम वैसे ही करना है जैसे आर्म रेस्टिंग में हुक पे करता हूँ, रिस्ट खोल के फिर कर, रिस्ट खोल के फिर कर, रिस्ट खोल के फिर कर, जैसे हैवी वेट हो गया, जैसे आपने लगा दिया 50-60 किलो अपने हिसाब से जो भी आपका हैवी वेट है, तो उसमें क्या करना है पहले से ही बैंड रखनी रिस्ट, फिर खींचना है या फिर आप किसी से खिंचवा भी सकते हो अगर आप ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहते, और यहाँ पकड़ लिया पैर अटका दी जैसे राइट फुट आगे रख लिया जैसे रखते हो एंड ये इसमें आपको रिस्ट नहीं खोलनी, इसमें आपको रिस्ट बेंड रखनी है, ये चीज़ ड्रैगिंग के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। इसमें आप अगर आप अपने अकॉर्डिंग अपने बॉडी वेट से बॉडी वेट जितना ही मान लेते हो तो बहुत स्ट्रांग हो आप एंड हमेशा अपने आपको पुश करा करो इन सारी एक्सरसाइजेज में, तो बहुत इफेक्टिव रहेगा एंड वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है ये वाली पुली में, बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। सो अब इसमें एक नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है, अपने हिसाब से वेट ले लो एंड टाइमर लगाओ, एक फ़ोन रखो या फिर अपने किसी भाई बहन को खड़ा कर दो, उसमें बोलो कि टाइमर गिन एंड हर दिन अपने आप को पुश करो, जैसे मेरा था 70 किलो में 25 सेकेंड मैक्स होल्ड करना और रिस्ट बैंड रखना, होल्ड कैसे करना है ये खींचा एंड अपने पास रखो एल्बो और ये इसको होल्ड करो 30 से 50 सेकंड एक मिनट, अपने आप को देखो कितना होल्ड कर सकते हो अपने मैक्स पे एंड हर दिन एक नई लिमिट सेट करो, तो इसको होल्ड रखना है रिस्ट बैंड रख के, ये वाली पोजीशन पे रखा, एक जैसे सेंटर वाली पोजीशन पे रखा,
फिर दूसरा क्या है, ये चिपक्की वाली पोजिशन पे भी रखो। इसमें क्या होगा कि जब आप जैसे किसी अपोनेंट को हरा रहे हो और यहाँ पे जैसे अटक जाता है, वो रोक रहा है, तो ये बहुत इफेक्टिव है। यहाँ पे आपको रोक सकोगे उसे। एंड जैसे ही मतलब जैसे टाइम ज़्यादा आपको थकान लगने लग जाए, तो कोशिश करो कि थोड़ा धक्का मारो। तो ये क्या इफेक्टिव है, जैसे आप कभी किसी अपोनेंट को हरा रहे हो और उसने रोका हुआ है, तो ये धक्का मारने वाला तो कहाँ पे काम आएगा, जब वो थक जाएगा ना, ये धक्का मारोगे ना पैड लग जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी विन। एंड ये एक्सरसाइज है बहुत इफेक्टिव, होल्डिंग बहुत इफेक्टिव है, स्टैटिक होल्ड्स बहुत इफेक्टिव है। ये होल्ड यहाँ पे करना है, दूसरा होल्ड यहाँ पे करना है जहाँ पे अपोनेंट हार रहा है, तीसरा होल्ड बताता हूँ कहाँ पे करना है। इसको टेबल ऐसे लगा लेना, अगर टेबल नहीं हो तो किसी भी चीज़ में कर सकते हो। तीसरा होल्ड करना है ये हारने वाली पोजिशन पे, जैसे आप हार रहे हो तो यहाँ पे होल्ड करना है ये। इससे क्या होगा, आप अपोनेंट का हाथ रोक सकते हो, ये हारने वाली। और इसको थोड़ा नीचे सेट कर देना अपने हाथ के, थोड़ा सा मतलब ये है ना, तो थोड़ा एक नीचे, ताकि जैसे कभी कोई अपोनेंट हाथ खींच रहा है तो नीचे के लिए खींचेगा ना, ये लिया यहाँ नीचे के लिए होल्ड करना 30 से 50 सेकंड अपनी लिमिट के हिसाब से। सो बेस्ट एक्सरसाइज है साइड प्रेशर की। साइड प्रेशर क्या होता है, जैसे आपका और आपका अपोनेंट है एंड दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, तो साइड प्रेशर क्या होता है, ये वाला एरिया जिसमें आप अपनी एल्बो को हिला के पिन करते हो, तो एल्बो तभी हिलेगी जब आपकी ये यहाँ टेंडनाइटिस यहाँ की स्ट्रांग होगी एल्बो जॉइंट की। तो ये एल्बो जॉइंट की टेंडनाइटिस लिगामेंट्स को स्ट्रांग करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है साइड प्रेशर। साइड प्रेशर कैसे मारते हो आप टेबल पे, ये करते हो ना, एल्बो को इधर इधर मूव करते हो इधर, ये जैसे किसी का हैंड कंट्रोल लेना है और किसी को हराना है, लूजिंग पोजिशन में लाना है, तो ये करोगे ना दूसरे अपोनेंट का ये। तो ये एक्सरसाइज है साइड प्रेशर के लिए, अपने हाथ के थोड़ा सा ठीक बराबर ले लेना इसे, ये ठीक बराबर लगा देना पुली को एंड वेट अपने अकॉर्डिंग लगाना है। मेरा मैक्सिमम 40-45 किलो है इसमें साइड प्रेशर हो। एंड शुरू में आपको क्या करना है, रिस्ट बैंड ही रखनी है एंड देन यहाँ पकड़ के आपको खींचना है। एंड ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसमें रेप्स निकालना है एंड अपने हिसाब से वेट रखना है। एंड फिर इसमें आपको होल्ड भी करना है, ये आपके साइड प्रेशर एंड बहुत ही स्ट्रांग करेगा आपके साइड प्रेशर को बहुत ज़्यादा। इसमें होल्ड रखना आपको 30 से 1 मिनट तक, अपने हिसाब से वेट अकॉर्डिंग लगा देना है एंड होल्ड करना है इसमें। इससे क्या होगा, ये होल्ड क्यों कर रहा हूँ, इस होल्ड से ना आपको जैसे कोई हुक में ले रखा है एंड इधर के लिए खींच रहा है, तो ये आपको पहले से ही आपको यहाँ पे वेट मारने की आदत है, आप हैवी भी लगा रहे हो, तो उस अपोनेंट की स्ट्रेंथ जैसे आप 50 किलो की है एंड आप यहाँ 50 किलो को 1-2 मिनट होल्ड कर रहे हो, ये कर रहे हो 50 किलो से, तो वो आपका हाथ तक नहीं ला पाएगा। तो इस चीज़ की यही, इस एक्सरसाइज की यही खास बात है कि आपके साइड प्रेशर को बहुत इंप्रूव करेगा एंड होल्डिंग पावर को भी बहुत इंप्रूव करेगा। होल्ड बहुत ही इंप्रूवमेंट करता है आपकी आर्म रेसलिंग के लिए। सो बेस्ट एक्सरसाइज है एक और हुक की, जैसे कि आपका हाथ यहाँ पर अटक जाता है, जैसे आप लूजिंग पोजिशन पे हो और आप हार रहे हो एंड आपको उसका हाथ उठाना है एंड उठाओगे कैसे, जब आप उसकी एक्सरसाइज करोगे। उसकी एक्सरसाइज क्या है, पुली पे वही सेम साइड ग्रिप लगा रखी है, हैंड टॉवल यूज कर सकते हो, इसको कर देना सबसे नीचे कर दिया सर, ठीक है, वेट अपने अकॉर्डिंग लगा लिया, यहाँ साइड में आ गए एंड ये रिस्ट बैंड ही रखनी है एंड ये कर्ल्स करने, एक तरह से कर्ल्स करने हैं टेबल पे, यहाँ पे होल्ड भी करना है, यहाँ पे होल्ड कर सकते हो आप इसको आगे लाके, यहाँ पे होल्ड करना है, तो इससे क्या होगा, आप उसका हाथ भी रोक सकते हो बहुत देर तक, अगर आप अपनी लूजिंग जैसे यहाँ पे पैड है लूजिंग पोजिशन पे, तो आप यहाँ पे हाथ रोक सकते हो उसका, यहाँ पे टाइमर लगा दिया आपने, हैवी वेट कर दिया, टाइमर लगा दिया, रोक रखा है, सांस रोके रखो, फिर कल करो, बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। आप जैसे लूजिंग पोजिशन पे हार रहे होंगे ना, तो आप उसका हाथ भी रोक लोगे एंड उसको कर्ल भी करने की कोशिश कर पाओगे, उठा पाओगे उसका हाथ, मतलब लूजिंग पोजिशन से अपने आपको बचा सकते हो आप इस एक्सरसाइज से। अब जैसे आपकी किसी ने रिस्ट ले ली, ठीक है, आपकी रिस्ट चली गई, मतलब आप अटके हुए हो बीच में, जैसे आपकी रिस्ट स्ट्रेट हो गई, फ्लॉप हो गई रिस्ट, ये हो गई, तो हुक में कैसे लेना है उसको लूजिंग पोजीशन से, जैसे आप लूजिंग पोजीशन पे और आपकी रिस्ट ये सीधी है, ये हो रखी है, तो यही चीज़ करनी है, ये रखनी है रिस्ट, इसको खोलनी है एंड कर्ल, खोलनी है कर्ल, खोलनी है कर्ल, कर्ल कर्ल, खोलनी है कर्ल, कर्ल 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 कर्ल, यहाँ पे कर्ल 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 करना है, कर्ल पूरा खोल के कर्ल एंड स्क्वीज करना है बहुत ज्यादा फिंगर्स को, स्क्वीज हैंड टॉवल घुसा के स्क्वीज करो, एकदम मस्त कर्ल्स करते रहो,
बहुत काम आएगा। जैसे रिस्ट खुल जाएगी तो आप कोशिश करना कि आप अपनी एल्बो आगे ले जाके कर्ल कर पाओ उसे, तो ये भी बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। आप टॉप रोल से बच सकते हो, रिस्ट कर्ल्स कर सकते हो ऐसे फैट ग्रिप लगा के टेबल पे। जिस पे आर्म रेसलिंग टेबल नहीं है वो प्री सर्कल की टेबल यूज कर सकता है, बेंच की टेबल यूज कर सकता है, कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठा के कर सकता है। पर एक्सक्यूज मत देना कि हम पे ये नहीं है वो नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। सो बेस्ट एक्सरसाइज एक और बताता हूँ हुक के लिए। जैसे कोई पुल अप बार है, ये वाला पुल अप बार सबके जिम में होता है जिसमें ये ऐसे में रखी रहती है ये सेंटर के लिए, सामने के लिए स्ट्रेट। तो उसमें क्या करना है, फैट ग्रिप फंसानी है, फैट ग्रिप लगानी है, ठीक है। फैट ग्रिप लगा ली, फैट ग्रिप लगा के आपको क्या करना है, पुलअप्स करने हैं। पुलअप्स कैसे में करना है, रिस्ट को ये रखना है बेंड हुक वाली पोजीशन पे सेम, एंड फैट ग्रिप्स को स्क्वीज करना है एंड बेंड कर दी रिस्ट, एंड देन ये 90 डिग्री तक आना है बस। फोर आर्म्स के लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है, आपके हुक को बहुत इंप्रूव करेगी, फिंगर स्ट्रेंथ को बहुत इंप्रूव करेगी, एंड रिस्ट के लिए तो है। तो ये वाली एक्सरसाइज ऐड करना मत भूलना अपने फोर आर्म्स के एंड हुक के वर्कआउट में, सबसे इफेक्टिव वर्कआउट है ये भी हुक के लिए। तो जैसे पुल अप्स था, अगर आपको इसमें अपनी टेंडन्स लिगामेंट्स एंड जॉइंट की स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है तो सेम पुल अप्स के बाद आप क्या कर सकते हो, वेटेड भी कर सकते हो, वेटेड पुल अप्स भी कर सकते हो ये वाले करके, एंड वेटेड होल्ड्स भी कर सकते हो। होल्ड इसमें 30 सेकंड तक होल्ड करना, जैसे वही रिस्ट ले ली सेम हुक वाली पोजिशन में बेंड करके, एंड यहाँ पे 90 डिग्री पा के 30 से 50 सेकंड तक होल्ड करना। वेट लगा के भी आप होल्ड कर सकते हो, ये भी बहुत इफेक्टिव है आपके फोर आर्म स्ट्रेंथ के लिए, हुक के लिए सबसे बेस्ट है। तो आप इसको भी ऐड कर सकते हो अपने वर्कआउट पे हुक के। सो ये वाली एक्सरसाइज मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है। जब आप किसी का हाथ लेते हो, अगर आप उसे हुक नहीं कर पा रहे हो तो आप उसे सुपिनेट करने की कोशिश करो। सुपिनेट क्या होता है, ये हुक में ये चीज भी मार सकते हो आप, उसकी मतलब उसका प्रोनेशन ही खराब कर दोगे आप, मतलब टॉप रोल ही नहीं मार पाएगा अगर आपने ये चीज कर दी, प्रोनेशन ही खराब हो जाएगा उसका। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी फिंगर पे लोड आ रहा है, मेरी फिंगर खुलने वाली है एंड आप हुक कर ही नहीं कर पा रहे, तो बताओ फिंगर को टाइट स्क्वीज करो एंड ये चीज, ये सुपिनेशन। अगर कर्ल नहीं कर पा रहे तो सुपिनेशन करके तब हुक लो, सुपिनेशन। तो इसकी एक्सरसाइज क्या है, ये ले लिया कराटे बेल्ट, या फिर ये तो प्रोनेशन स्ट्रैप है, ये टॉप रोल के काम भी आता है। पर अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी हुक में, सुपिनेशन में, सुपिनेशन करना है तो इसको बताओ कैसे पकड़ना है, ये यहाँ पे टावल देना, एक टावल। तो आपने क्या करना है, टावल को पकड़ के स्क्वीज करना है, ठीक है, जैसे किसी का हाथ पकड़ रखा आपने, स्क्वीज करना है, ये खींचना है इस वाली चीज से, ये जो गट्ठा है यहाँ साइड पर, ये खींचा, इसको सीधा ऐसे पकड़ा, ये लिया, ये रखा, जैसे रेफरी कराते ना सीधी रिस्ट में, ये चीज सीधी रिस्ट में, ये चीज कराई, रेडी गो। इसमें भी आप होल्ड कर सकते हो, रेडी गो। सुपिनेशन करना, ये चीज। इसमें कर्ल नहीं करना, इसमें ये करना है सुपिनेशन। हुक के लिए भी बेस्ट है ये हुक, जैसे आप हुक नहीं मार पा रहे तो सुपिनेट करके तब हुक ले सकते हो ताकि उसका प्रोनेशन खराब हो जाए। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द बेस्ट एक्सरसाइज ऑफ हुक जो कि बहुत काम आती है आपके बैक प्रेशर को इम्प्रूव करने में। अगर आप पे स्ट्रेंथ, आप साइड प्रेशर में हराते रहे हो, उसको सुपिनेट करके हराते रहे हो एंड आपका बैक प्रेशर ही वीक है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बैक प्रेशर बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका, जब आप उसे अपने पे खींचो और उसका हैंड कंट्रोल चले जाए, एल्बो पीछे खींचना, ये टेबल पे भी कर सकते हो आप, पूरी लगा के ये वाला बैक प्रेशर खींचना, एंड सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। रोइंग करी आपने, रोइंग सिंगल हैंड रोइंग कैसे होती है, ये पकड़ा, ये रखा, सीधी रिस्ट रख के ये किया। अब इसको मैंने आर्म रेसलिंग की तरह से डिजाइन करी हुई है, और ये मैंने ही करी है खुद से डिजाइन। तो इसमें क्या करना है, टावल लगाना है या फिर फैट ग्रिप लगा सकते हो, सेम रोइंग वाली पोजिशन में रहना है, इसको स्क्वीज करना है पर रिस्ट को बेंड रखना है हुक वाली पोजिशन में, बेंड रख के ये कर्ल करना है, खोल भी सकते हो, खोल के फिर रिस्ट कर्ल। इससे क्या होगा, आपका बैक प्रेशर बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा एंड रिस्ट कर्ल्स करने हैं ऐसे आपको, बैक प्रेशर करके, बैक प्रेशर के लिए सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है वाली चीज। तो टावल को स्क्वीज करना है एंड फैट ग्रिप स्क्वीज करके आपको इसको पुल करना है, ये रोइंग करनी है पूरी, रोइंग।
ओ मेरे दोनों भाइयों के बीच में आर्म रेसलिंग हो रहा है, तो देखते हैं कौन जीतता है। लेट्स गो लेट्स गो। यह आर्म रेसलिंग आराम से भाई। रेडी गो। तू मारी मैं रोक रहा हूँ, ठीक है? रेडी गो बेटे, जान तो बहुत है। बढ़िया बढ़िया। मैंने वो जो रोइंग बताई उसका एक बार मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ कि कैसे करना है, उसी फॉर्म में करना है आपको। एक बार फॉर्म ध्यान से देखना, बहुत इफेक्टिव चीज़ है ये। रिस्ट स्ट्रेट रखनी है, उंगलियों से कर्ल करना है, ठीक है? ये हाथ रख लिया एंड पहले स्ट्रेट रखनी है रिस्ट, जैसे ऊपर खींचोगे तब कर्ल करके ये लाना है, ये फिर खोल देनी है, फिर कर्ल, फिर कर्ल, फिर कर्ल। इसके बाद जैसे ये वाली एक्सरसाइज हो गई फोरआर्म में, बहुत एकदम तगड़ा लोड आ जाएगा। तो इसमें क्या करना था, लास्ट में आपको रिस्ट कर्ल करके यहाँ पे थोड़ा 15 से 20 सेकंड होल्ड करना है अपना डंबल। ये बैक प्रेशर के लिए बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, आपका हुक बहुत स्ट्रांग होगा। ये वाली चीज ना, ये जो कर रहा हूँ मैं, ये चीज कर रहा हूँ, ये टेबल पे काम आएगी यहाँ पे जब आप किसी का हाथ खींचोगे। तो यही था आज का हुक का वर्कआउट एंड वीडियो एंड करते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड चैनल को जो जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर देना। एंड नेक्स्ट वीडियो टॉप रोल के ऊपर लाऊंगा, और भी हुक की एक्सरसाइजेस होती हैं बेटर, तो वो भी बताऊंगा। ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए खत्म करते हैं ये पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड पीस। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग आर इनफिनिट व्लॉग्स, लव यू। Now will you join the unity or not? Join.